Yes, Beta. Let us start with the optional exercise, that is 13.5. And we have done question numbers only first from this optional exercise. Let us start with the next question. Okay, that is question number 2. Very interesting question. जो है अब इसमें हमने क्या करना है, लेट अस डू विद दिस क्वेश्चन. एक राइट ट्रायंगल की बात हो रही है, हमें एक राइट ट्रायंगल जो है हमने लेना है और उसमें उसको रोल्ड करके क्या बनाना है, लेट अस सी. ओके, पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट, फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे. अ राइट ट्रायंगल whose sides are 3 cm and 4 cm, जो है other than hypotenuse is revolved, हमारे पास जो है about its hypotenuse. Imagine कीजिए ये right angle है, ठीक है, इसको मैं, ये hypotenuse है, इसके around क्या कर रही हूँ, revolve कर रही हूँ. Imagine कीजिए कैसी form of जो है फिगर बन रही. इमेजिन कीजिए मेरे पास, देखिए क्वेश्चन 2, देयर इज अ राइट ट्रायंगल. ओके, और ये मान लीजिए मेरा ऐसे. ओके, ये मेरे पास दी है, वन इज जो है 3 साइड एंड अदर इज 4 साइड. मैं ऊपर को बनाती हूँ राइट ट्रायंगल ताकि आपको समझ. ये देखिए, this is 3, this is 4, ऐसे ले लेते. ओके, ऐसे. अब इसको मैं रिवॉल्व कर रही हूँ ऐसे ऐसे, तो ये कैसी शेप बन जाएगी, ऐसे ही नीचे आएगी, बट इट इज फॉर्मिंग डबल कोण. ये 3, ये 4, इमेजिन कीजिए. देखिए ऐसे था जब ये किया, नीचे जो साइड ऊपर है वही इधर नीचे आ रही है, ठीक है, जो साइड इधर है वही नीचे आ रही है. ऐसे में अगर मोटर लगा के इसको रिवॉल्व कराऊं ना, तो आपको डबल कोन बनना विजिबल होगा कि इस साइड भी कोन बन रहा है और इस साइड भी कोन बन रहा है. ओके बेटा, ये बात सबको समझ आए. और मुझे जो है हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 ऑब्वियस है, मेरे पास केवल था, क्लियर. अब ये डबल कोन है जो मैंने बनाया. अब क्वेश्चन देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन. दे आर सेइंग कि रिवॉल्व about its hypotenuse, find the volume of the surface area of the double cone so formed. मुझे सबसे पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है and choose pi जो है as found as appropriate. आप pi की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो जो आपको लगता. अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी है रेडियस की, क्योंकि अगर मैं इस कोण को देखूं, इस साइड के कोण को देखूं, मेरे पास इस साइड के कोण को मेरे पास L है, L तो सेम ही रहेगी, R नहीं है ना H है, क्योंकि कोई एक चीज भी पता चल रहा है, या R पता चल रहा है या H पता चल रहा है. H पता चल गया तो मैं R कैलकुलेट कर सकती हूँ, R डायरेक्टली पता चल जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि सरफेस एरिया में पाई आर एल ही मेरा यूज होगा. सेम इज द प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, मुझे एक पता चल रहा है तो दूसरा मेरा अपने आप जो है कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर करके मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो कैलकुलेट करनी है मुझे, ए ओ या बी ओ, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ आराम से. अगर मैं इधर से बी, मैं पहले लेबलिंग कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी लेबलिंग कर सकते हो, जो मुझे ईजी लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली लेबलिंग करूंगी. मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रायंगल ए, ये बी और सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ए बी सी नाम दे दिया, इसको सेंटर ओ मान लेती हूँ, इसको ए लिया तो इसको ए डैश. ओके बेटा, क्लियर. तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मुझे चाहे मैं बी ओ पता कर लू या मैं ए ओ कर लू, मैं ट्रायंगल सिमिलर कर रही हूँ. एक ट्रायंगल जो है ए ओ बी और एक ट्रायंगल जो है सी ए बी, बड़े आराम से ये ट्रायंगल सिमिलर हो रही है. मैं फिर बता रही हूँ, ए ओ बी और सी जो है मेरे पास और ए बी, कैसे
सबसे पहले मेरे पास जो है, पहले ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल जो है मेरे पास ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है। आपने डार्क करना है, आप डार्क कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सी ये लीजिए, आपके लिए मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको ये लीजिए, ये 90, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है इस कोण में देखो तो ये हाइट और ये जो बेस आपस में परपेंडिकुलर होता है, और ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे पास जो है ओ और बी एंगल, ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया, दोनों में सेम, बी भी दोनों में आ रहा है, तो देयर फोर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया जो है आप क्या कहोगे, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी, ओके। तो अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो लेट अस, अब मैंने लिया छोटी ट्रायंगल में से ए ओ, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल में से मैंने जो है फोर ले ली, ओके, और दूसरी थ्री, और फिर बड़ी ट्रायंगल में मैंने क्या ले लिया, फाइव, ओके। क्योंकि अगर इधर से ए ओ लिया, उधर से मुझे सी ए लेना है, चाहे आप थ्री नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, डजंट मैटर, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। दोनों छोटी ट्रायंगल की रेशियो, दोनों बड़ी की ले लो, एक छोटी की एक बड़ी की ले लो, सिमिलैरिटी आप पे डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। अब ए ओ की वैल्यू मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 5, 12 बाय 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही बी ओ भी सिमिलैरिटी से निकाल दे, इजी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेट अस सी, अब अगर मैंने बी ओ लिया यहां से, ओके, बी ओ, तो मेरे पास जो है अब ए बी दैट इज 3, फिर उधर से मैंने जो है 3 लिया और इधर मैंने 5 लिया। आप नीचे वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल सिमिलर करके भी ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उससे वो निकाल दो, क्योंकि आपको ए ओ पता चल गया, ये पता है, और बी ओ निकालो, इट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। तो अब मेरे पास दिस इंप्लाइज बी ओ मेरे पास जो है वो 9 बाय 5, 3 3 9 बाय 5 सेंटीमीटर, ओके जी। अब मुझे क्या चाहिए, इस में एओ पता चल गया, क्योंकि मुझे उन्होंने क्या निकालने को कहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों, तो एच भी चाहिए आर भी चाहिए। अब मैंने इसमें से मैंने ए बी ओ निकाल लिया और एओ निकाल लिया, एच भी निकाल दी और मैंने जो है आर भी निकाल लिया। अब इधर से अगर मैंने बी ओ निकाल लिए, बी सी मेरे पास है, मैं सी ओ निकाल सकती हूँ माइनस करके, तो आप लिखो CO is equal to total 5, 5 minus BO. अब BO कितनी निकाली थी मैंने, 9 by 5, तो ये 25 minus मेरे पास 9, तो कितना हो गया, 16 by 5 centimeter. CO हो गया मेरे पास। अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसका R तो सेम ही है दोनों तरफ, जो मर्जी ले लो। अब सारी वैल्यूज पता चल गई, अब क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण, पहले इधर वाला कोण का निकालते हैं, फिर इधर वाला का, दोनों का आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि डबल कोण मतलब लेफ्ट पे भी कोण बन रहा है, राइट पे भी कोण, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द डबल कोण, चलिए दूसरी साइड पे कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको पता चले। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ डबल कोण दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या नाम दे यहां पर जो है ए बी ए डैश ओ, ठीक है, ए बी ए डैश ओ, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ मेरे पास सी ए ओ ए डैश, मैंने दो। अब इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना, पाई आर मेरे पास जो है स्क्वायर दैट इज ए ओ स्क्वायर, H इधर कितना होगा, BO प्लस
पाई आर स्केयर, आर स्केयर तो ए ओ स्केयर ही रहना है ना, तो मेरे पास जो है इंटू एच, एच कितना सी ओ वैल्यूज, आप चाहो तो पाई ए ओ स्केयर बेटा कॉमन ले लो तो अंदर बी ओ प्लस सी ओ, ठीक है। अब पाई 22/7 और ए ओ की वैल्यू हमने निकाली थी 12/5 का होल स्केयर, ठीक है। और वैसे भी बी ओ प्लस सी ओ आप सीधा भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कैलकुलेट इट एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। वॉल्यूम निकल गए, अब आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द मेरे पास जो है कोन, डबल कोन, तो लेट अस फाइंड। अब इसमें एक चीज याद रखना बेटा, जब आपने सरफेस एरिया ऑफ द कोन लेना है ना, तो नो डाउट वो टोटल होता है, पर बेस दोनों की क्या हो गई, मर्ज हो गई, यानी अगर मर्ज हो गई तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन। तो यहां पर आप लगाओगे कि मेरे पास जो है सरफेस एरिया, क्योंकि ये वाला बेस दोनों का मर्ज हो गया ऐसे, तो बेस तो नहीं ना आएगा, तो कर्व्ड ही आएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन मेरे पास जो है दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, आप लेबल कर सकते हो ए बी ए डैश ओ ए प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ए ओ ए डैश सी, और उसका फॉर्मूला पाई आर एल ओ, ठीक है ना, पाई आर मेरे पास जो है ए ओ और एल मुझे पता है 3 है तो राइट डाउन 3 प्लस पाई आर तो सेम ही रहना ए ओ इंटू एल, इधर क्या आ जाना है 4, लेट मी शो यू लीज, ओके नाउ पुट द वैल्यूज। मेरे पास हमने ए ओ की वैल्यू 12/5 और कॉमन ले ली और 3 + 4, कैलकुलेट इट एंड गेट योर रिजल्ट, ओके पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करके आपका आंसर आ जाए। सबको बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, एनी डाउट टू एनी वन। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ओके क्लियर। चलिए नाउ व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं बट हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जो है सिस्टम इंटरनली मेजर्स 150 120 एंड 110 हैज जो है मेरे पास 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, मतलब एक क्यूबाइड टाइप हमारे पास एक कह लीजिए बॉक्स है, टैंकर है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, जिसकी कैपेसिटी जो है हमारे पास दी हुई है, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम की वो बात कर रहा है, दैट इज गिवन टू मी। अब उसने कहा पोरस ब्रिक्स, अब पोरस का मतलब है छोटे छोटे होल्स जो वाटर को कंज्यूम कर लेते, ठीक है नहीं। अब उसने कहा पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम, मतलब एक मेरे पास जो था यहाँ पर हम बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो हम क्या कह रहे हैं। देखिए मेरे पास जो है एक क्यूबाइड टाइप ऐसे मेरे पास है, ठीक है, इसमें वाटर जितना है अभी तक है वो मुझे दिया हुआ है 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, बट इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी दी हुई है मुझे, दैट इज लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, ओके एंड द ब्रेथ इज 120, जो मैंने कैपेसिटी वर्ड बोला था मतलब उसमें इतना पानी है इस टाइम पे इतना। अब वो बोलते हैं इसमें मैंने ऐसे ब्रिक्स डाले, ओके, और कब तक डाली जानी है, जब तक ये जो पानी का लेवल है ना वो ऊपर नहीं आ, ओके ये उसने मुझे अभी तक बताया। अब उसने कहा इज फुल टू द ब्रिम, ईच ब्रिक
observe 1 by 17th of its own volume of water. जो है अब उन्होंने कहा है कि यहां पर मेरे पास जो है बेसिकली कि हर ब्रिक जो है वो 1/17 वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब मैंने डाला उसने फटाफट पानी को कंज्यूम कर लिया, यानी पानी ऊपर तक तो नहीं ना आया अभी तक, बस उसने ये बोला, उसने कहा अब मैं कितनी ब्रिक्स डालू ताकि जो पुट इन इट विदाउट ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ईच ब्रिक, हर ब्रिक की मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट मुझे दी हुई, ठीक है, उसने मेरे से नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात की है। हाँ जी, यस बेटा, यस दक्ष, व्हाट यू वांट टू आस्क? हाँ जी बेटा बोलिए दक्ष। हम एक बार दोबारा बता दो, ये वाला जो पहले आया था। ओके जी बेटा, क्वेश्चन ये है, एक मेरे पास क्यूबॉइडल टैंक है, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, बॉक्स है जिसमें कुछ पानी पड़ा है, 129600 वाटर इज अवेलेबल इन इट, और मुझे उस टैंकर की उस सिस्टम की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। उसने कहा कि मैंने इसमें ब्रिक्स डालनी है, कितने ब्रिक्स डालनी है कि जो पानी का लेवल है ना वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाए, ब्रिम तक, ब्रिम होता है ऊपर जहां तक, मतलब पानी बाहर ना गिरे बट उसके टॉप को टच करे, ओके। लेकिन यहां ये बता दिया, जैसे ही मैंने ब्रिक डाले उसने 1/17 ऑफ द वॉटर, ना जितना उसका वॉल्यूम है मेरे पास, उसने 1/17 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉटर को कंज्यूम कर लिया, तो उसने कहा इसका मतलब बताइए कि मेरे पास जो है मैं कितनी ब्रिक्स अवेल करूं या कितनी ब्रिक्स डालूं कि पानी ऊपर तक, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले हम देखें कि हमारे पास जो है टोटल वॉल्यूम जो एन ब्रिक्स का वो कितना है, है ना, पहले टोटल वॉल्यूम देखे ना, हमें पता है ब्रिक किस फॉर्म में, क्यूबॉइडल फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रिक का निकालें, हम मान लें कि हमने एन ब्रिक्स डाले, अगर एन ब्रिक्स डाली तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स क्या हो गया, एन मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब हमारे पास क्या हुआ, कितना वॉल्यूम वाटर का बचा है वो क्या होगा हमारे पास, जितना हमारे पास वाटर अवेलेबल था, है ना, जितना वाटर मेरे पास अवेलेबल था, क्या करें सिस्टम के मेरे पास जो है जो भी मैंने वॉल्यूम निकाला हुआ था पूरे बॉक्स का जो जिसमें डाला, उसमें से हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ जो है वाटर जितना मेरे पास कंज्यूम हो गया वो माइनस कर दो, ठीक है। अब अगर 1/17 पानी जो है वो ऑब्जर्व हो गया तो कितना बचा, 1-1/17 करो तो कितना बचा, 16/7 वो पानी बचा ना जो ऊपर जा सकता है। अब वो पानी जो है मेरे पास जो है बेसिकली किसके इक्वल होगा, जितना हमारे पास पानी बचा है, अब उसको कंपेयर करेंगे और वहां से हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, ब्रिक्स निकालेंगे। जैसे जैसे स्टेप्स करेंगे ना आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है जी। चलो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, फिर आपको पता चलेगा। सबसे पहले जो है हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते हैं, क्योंकि ब्रिक की मुझे लेंथ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ब्रिक का लेंथ जो है दैट इज 22.5 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ मेरे पास जो है 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट मेरे पास 6.5 सेंटीमीटर, ओके। तो लेट अस डू, सबसे पहले हम स्टेप करते हैं, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ओके। वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक दैट इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, वेरी इजी, 22.5 × 7.5 × 6.5। चलिए मल्टीप्लाई करें इसको, कैलकुलेशंस फटाफट कीजिए जरा, मैं कैलकुलेटर पे कर रही हूं, आप मैन्युअली करके चेक कीजिए। 1096.87 सेंटीमीटर क्यूब,
ओके जी। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ वॉल्यूम ऑफ जो है सिस्टम, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है मुझे एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज 150 इंटू 120 इंटू 110। ओके तो मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास क्या आया मल्टीप्लाई करके 198, 1, 2, 3 और 10 लास्ट वाली 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर क्यूब। मैं शो कर देती हूँ, वेट। ओके जी, अब हम क्या मान के चलते हैं, हमने कितनी ब्रिक्स डाली, एन ब्रिक्स डाली। लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स मेरे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज इक्वल टू एन। ओके तो देयरफॉर मेरे पास जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स वो क्या हो जाएगा, दैट इज एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक मैंने कितना निकाला था 1096.87 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, अब वॉल्यूम मेरे पास कितना अवेलेबल था, वॉल्यूम ऑफ वॉटर जो है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉटर दैट इज गिवन टू मी दैट इज 1296.00 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना ब्रिक्स वॉल्यूम ले सकती है, सिर्फ इतना, यही है ना, टोटल वॉल्यूम निकाल दी, मेरे पास पानी कितना वो निकाल लिया। अबे इतना वॉल्यूम बचा हुआ ब्रिक्स ऑब्जर्व, मतलब ब्रिक्स इतनी आ सकती है, यही है ना, तो पहले वो निकाले कितना बचा हुआ वॉल्यूम, लेट अस फाइंड दैट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉटर हमने लिख दिया, देन वॉल्यूम ऑफ वॉटर अवेलेबल फॉर ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉटर क्योंकि टोटल कैपेसिटी हमने निकाल ली, इतना पानी पड़ा हुआ है, है ना, तो इतने में ब्रिक्स आ सकती है ना, तो हम वो देख रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑफ जो है वॉटर अवेलेबल फॉर ब्रिक्स दैट इज 19 मेरे पास जो है 8000 जो हमने सिस्टम का निकाला था, माइनस मेरे पास जो है जितने में पानी पड़ा 129600 दैट इज 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, मैंने माइनस कर दिया सीधे, अब ये निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें से उसने क्या कहा था, 1/17 था वाटर, तो ब्रिक नहीं कंज्यूम कर लेना, तो यानी फिर कितना बचा वो अब देखते हैं, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट राइट देयर। अब ये आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वो देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट, हमें जो स्टेटमेंट में दिया है ईच ब्रिक ऑब्जॉर्ब जो है 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, हमारे पास इतना ही वॉल्यूम वो कर सकती है ऑफ वॉटर, तो इसका मतलब मेरे पास हो गए वॉल्यूम ऑफ वॉटर अवेलेबल जो है फॉर ब्रिक्स, मेरे पास जो है ब्रिक्स के लिए कितना पानी यूज होगा 17/16 मेरे पास जो है, लेट मी शो यू, 17/16 जो है ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉटर अवेलेबल, मैं वर्डिंग इसीलिए लिखवा रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए, फॉर ब्रिक्स जो है और दैट इज 17/16 इंटू, वो मैंने कितना निकाला उधर 1850400। ओके तो दैट मीन्स इसकी कटिंग कीजिए, जब आप कटिंग करोगे तो मेरे पास कटिंग करने पे आंसर आएगा 196 जो है 06
0.050 सेंटीमीटर की। ओके तो अब बेटा ये किसके इक्वल है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स के इक्वल, और एन ब्रिक का हमने कैलकुलेट किया हुआ, दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस एन इंटू 1096.87 दैट इज इक्वल टू 1966050। यहां पर अब आप एन निकाल सकते हो डिवाइड करके, माइट बी मेरे पास एन फ्रैक्शन में आए डेसिमल में आए, तो घबराना नहीं, वी नीड अप्रोक्सीमेशन है ना। अगर आपकी वैल्यू जो है मान लीजिए आ रही है 1792.45446 कोई बात नहीं, तो वो थोड़ा सा पानी अगर ब्रिम जरा सा ऊपर से रह भी जाए डजंट मैटर, तो आप डेसिमल के बाद वाली टर्म्स को क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। ये नहीं कहना कि एन कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमने एक अप्रोक्सीमेट बताना होता है तो हम डेसिमल से पहले वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप डिवाइड करोगे 100% ये डेसिमल में आएगा, डिवाइड करके देखिए। ओके बेटा तो एन जो है वो डेसिमल्स में आएगा, तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट आप क्या करोगे, लीव कर दोगे। क्लियर, सबको क्वेश्चन समझ आया। हमने पहले ऊपर वाला निकाला, इतना वॉल्यूम था उसमें से जितना ऑब्जर्व करता है वो छोड़ दिया, बचा कितना, 16/7 3। मैं उसको उधर लेगी ना, जब मैंने 1 - 1/17 किया तो वो 16/17 हुआ, तो वो उधर गया तो वो 17/16 हो गए, उसको मैंने यूज कर लिया। ओके बेटा क्लियर जी। फिर उसके बाद ये वॉल्यूम मेरे पास जो है ब्रिक्स का था, लेकिन वो मैंने निकालना हुआ था n इंटू 109 जो है 6.87, तो वो n निकालने के लिए मैं इसको इससे क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी एंड आई विल गेट द क्वेश्चन। चले बेटा आगे, ठीक है। आई नो दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट जो है लेंथी टाइम कंज्यूमिंग, बट हम छोड़ नहीं सकते। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फ्रस्ट्रम पर बेस्ड है एंड दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, तो आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ छोड़ सकते हो, सिक्स्थ छोड़ सकते हो, सेवेंथ, ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ वी आर डूइंग इट, ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेट अस डू दिस। अब जो है यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इन वन फॉर्नाइट जो है मेरे पास, what they have write in one fortnight of a given month jo hai there was a rain water of 10 cm in a river valley ki hamare paas jo hai one fortnight ka matlab hota 14 days ke baad matlab 15th day ki baat wo kar raha hai to usne kaha ki ek humne month mein dekha ki there was a rainfall jo ki 10 cm river valley mein मतलब हमें अवेलेबल हो रही है। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसने कहा कि शो दैट द रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ थ्री रिवर्स ईच विद 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। बस यहाँ पर जो हमने ध्यान देना ना, यूनिट्स का ध्यान देना, उसने कहा कि ये जितना वॉल्यूम वो इकट्ठा करती है ना वो किसके इक्वल है, जो थ्री रिवर्स का हमारे पास जो है टोटल आता है। तो बहुत इजी, अगर सबसे पहले हम देखें वैली में कितनी रिवर्स होती है, एरिया दी है और उसकी हाइट दी है, बस यूनिट ही डिफरेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, और L into B क्या होता है, एरिया होता है, तो वॉल्यूम को हम जो है वॉल्यूम को वी कैन रीराइट एज एरिया इनटू हाइट। तो हम कहते हैं रेन 10 सेंटीमीटर मींस इट्स हाइट इज गिवन। ओके तो अब मेरे पास जो है एरिया दिया हुआ है, एरिया मुझे जो रेन का दिया हुआ है जहां पर पानी गिर रहा है
दैट इज 7280 किलोमीटर के. ओके एंड जो है रेनफॉल जो हो रही है जिसकी हाइट दैट इज गिवन टू मी 10 सेंटीमीटर. ओके मैंने यूनिट सेम करने मैं सबको किलोमीटर में ही रख देती हूँ. तो अब देखो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 100 लगा. मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो अगेन 1000 लगा. तो ये मेरा किलोमीटर में चेंज हुआ. ओके तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी एरिया 7280 इंटू 10/100 इंटू 1/1000 ये मेरे पास किलोमीटर क्यूब में आया. कटिंग कर लो जो होती है 0.728 किलोमीटर क्यूब. ओके बेटा नाउ कम टू द नेक्स्ट. उसने कहा ये पानी शो करो अप्रोक्सीमेटली उतना ही है जितना तीन मतलब नॉर्मल रिवर्स का कंबाइन होके आता है और उनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी है. तो अगर वो भी तो रिवर तो हम क्यूबाइडल शेप में ही इमेजिन करते हैं तो जो है वॉल्यूम अब मैं लिखूंगी ऑफ थ्री रिवर्स सबकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है तो सिंपल 3 × L × B × H ही आएगा. अब 3 अगर मैं लेंथ देखूं तो वो मेरे पास किलोमीटर में है तो वो 10 कितनी है 72 इंटू अगली है ब्रेथ 75 मीटर. मीटर को किलोमीटर में चेंज करना डिवाइडेड बाय 1000 और अगला मुझे दिया हुआ है 3 मीटर डीप तो उसको भी बेटा आप किलोमीटर में चेंज कर. ये सारा किलोमीटर क्यूब में आ गया. सॉल्व कर लो सारा तो ये मेरे पास आएगा 0.7236 किलोमीटर के. अब अप्रोक्सीमेटली इक्वली है तो यू विल राइट यस दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट जो है जितनी रेनफॉल हो रही है और जितना तीन रिवर्स में वॉटर है वो इक्वल है. बस यही प्रूफ करना था. ओके बेटा दिस कंप्लीट योर सिलेबस. हाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी मीन्स हम दोबारा करेंगे मंडे से वी विल स्टार्ट विद दैट. ओके प्लीज सेंड योर कॉपीज मैं देख रही हूँ बहुत इनकम्प्लीट काम सा है यू आर सेंडिंग. प्लीज सेंड इट प्रॉपरली विद इंडेक्स विद नेम एवरीथिंग. ओके बेटा टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी ने पूछनी.